स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय माथुर क्लासेस। आज अपन पढ़ेंगे आईटीआई इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर का टॉपिक जो है विद्युत रासायनिक प्रभाव और रासायनिक सेल। इसके बहुत सारे कमेंट आए हुए थे कि मैडम पहले ये चैप्टर कराइए, मैडम पहले ये चैप्टर कराइए। तो आज आपका चैप्टर ये स्टार्ट हो रहा है। तो विद्युत रासायनिक प्रभाव एवं रासायनिक सेल, इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इफेक्ट एंड केमिकल सेल्स। तो भाई पहले तो अपन पढ़ते हैं विद्युत रासायनिक प्रभाव क्या होता है, फिर अपन पढ़ेंगे रासायनिक सेल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले है कि विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव क्या है। जब किसी सुचालक द्रव अम्लीय या अकार्बनिक, सुचालक द्रव कौन से होते हैं, अम्लीय या अकार्बनिक, में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह अपने धन और ऋण आयनों में विभक्त हो जाता है। क्या है विद्युत रासायनिक प्रभाव क्या है, जब किसी अम्लीय एवं अकार्बनिक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विलयन अपने अवयवों में विभक्त हो जाता है, यह क्रिया विद्युत रासायनिक प्रभाव कहलाती है। ठीक है, इस प्रभाव को ही विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं तथा इस घटना को विद्युत अपघटन कहते हैं। ऐसे सुचालक द्रव को विद्युत अपघटय यानी कि इलेक्ट्रोलाइट भी कहते हैं। अब आता है इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट ऐसा विलयन जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसकी संरचना परिवर्तित हो जाए, इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। इलेक्ट्रोलाइट किसे कहेंगे, ऐसा विलयन जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसकी संरचना परिवर्तित हो जाए, इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। जैसे कार्बनिक विलयन कौन कौन से होते हैं, एल्कोहल, वनस्पतिक तेल, स्प्रिट, ये होते हैं। और अम्ल रहित विलयन कौन से होते हैं, आसुत तेल, आसुत जल आदि विलयन विद्युत अचालक होते हैं, इनको इलेक्ट्रोलाइट नहीं कहते हैं। देखो इलेक्ट्रोलाइट किसको कहेंगे, अम्लीय और अकार्बनिक, अम्लीय और अकार्बनिक विलयन होते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट में होते हैं, परंतु इलेक्ट्रोलाइट में नहीं होते हैं वो होते हैं, देखो एक तो कार्बनिक विलयन। कार्बनिक विलयन जैसे क्या हो गया, वनस्पति तेल, एल्कोहल, स्प्रिट आदि। और अम्ल रहित विलयन कौन से हो गए, अशुद्ध जल मतलब डिस्टिल वाटर, और यह विद्युत का अचालक होते हैं, तो इनमें इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता। अब आता है इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोड क्या है। इलेक्ट्रोड में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, इलेक्ट्रोलाइट में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर दो धात्विक छड़ों की आवश्यकता होती है जिन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब आपको ने देखा होगा कि कई ऐसा पॉट बना हुआ होता है, इसको वोल्ट मीटर कहते हैं। एक पॉट बना होता है कांच का, इसके अंदर दो रॉड लगी हुई होती है। ये इनके पूरी डिटेल के बारे में अपन बाद में देखेंगे। ये दो रॉड लगी हुई थी, इसके पूरे के अंदर क्या होता है, विलयन बना हुआ होता है। और ये दो रॉड होती है, इनमें एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड। तो दो इलेक्ट्रोड क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट में, ये इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए दो धात्विक छड़ों की आवश्यकता होती है। दो धात्विक क्या है, छड़े हैं होती है जिन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, कैथोड और एक एनोड। इन सब के बारे में आपने छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ, एट्थ में भी पढ़ा होगा साइंस में, और नाइन्थ टेंथ में भी साइंस में आपने पढ़ा होगा। अब आता है जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो दो होते हैं, एक एनोड और एक कैथोड। एनोड को हमेशा पॉजिटिव कहते हैं, प्लस होता है, कैथोड हमेशा नेगेटिव होता है, माइनस होता है। एनोड में क्या होता है, विद्युत धारा जो बाहर निकलती है, परंतु कैथोड के अंदर जो होती है वो विद्युत धारा प्रवेश करती है। क्या होती है, कैथोड के अंदर विद्युत धारा प्रवेश करती है। फिर आता है नेक्स्ट विद्युत वैद्युतिक अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस किसे कहते हैं, जब किसी इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ को जल आदि विलायक पदार्थ में घोला जाता है तो वह आयन्स में विभक्त हो जाता है। आयन्स आपको पता है, आयन्स होते हैं, आयन्स कौन से होते हैं, एक होता है धन आयन और एक होता है ऋण आयन। तो आयन्स में दो प्रकार के होते हैं, एक धन आयन और एक
ऋण आयन। जैसे अपने कोई भी समझ लिए पदार्थ है H2SO4, तो H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो H2SO4 को अपन विभक्त करते हैं तो क्या हो गया, 2H+SO4। तो 2H तो क्या हो गया, प्लस, और SO4 क्या हो गया, माइनस में। तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रोलाइसिस। अब डेफिनेशन आती है वोल्टा मीटर की। वोल्टा मीटर मैंने आपको बताया था कि कांच का जो एक जार होता है उसको अपन क्या कहते हैं, वोल्टा मीटर। जैसे ये जार बना हुआ है इसको अपन क्या कहते हैं, वोल्टा मीटर। जिस पात्र में वैद्युतिक अपघटन क्रिया संपन्न की जाती है उसे वोल्टा मीटर कहते हैं। ये कांच का जार होता है या चीनी मिट्टी का बड़ा टैंक भी हो सकता है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, आयनीकरण। आयनीकरण क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ को जल आदि विलायक में घोलने पर वह धन तथा ऋण अवयव में विभक्त हो जाता है, वह आयन्स कहलाते हैं। आयन्स मैंने आपको अभी बताया, आयन्स दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव धन आयन और एक ऋण आयन, पॉजिटिव और नेगेटिव। धन आयन जो होते हैं इलेक्ट्रोलाइट में कैथोड की ओर जाने वाले आयन्स धन आयन होते हैं, और ऋण आयन इलेक्ट्रोड में एनोड की ओर जाने वाले आयन जो होते हैं वो ऋण आयन्स होते हैं। अब अपन पढ़ेंगे फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम, कि भाई फैराडे का जो नियम है अपघटन का, ये क्या नियम है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये अभी तो अपन फर्स्ट ईयर में तो ये नियम पढ़ रहे हैं, फिर बाद में जब सेकंड ईयर पढ़ेंगे या और भी कोई कंपटीशन एग्जाम देंगे या डिप्लोमा करेंगे कुछ भी करेंगे तो उसमें फैराडे लॉ जरूर आता है, कि भाई फैराडे का नियम के हिसाब से उसमें ये क्या आएगा, फैराडे के नियम के हिसाब से अपन फॉर्मूला लगाएंगे। तो फैराडे का नियम, प्रथम नियम द्वितीय नियम कहीं नहीं आएगा, परंतु वहां पर हर क्वेश्चन में आएगा फैराडे नियम के हिसाब से। तो अपन आज पढ़ते हैं फैराडे का वैद्युतिक अपघटन के नियम, मतलब फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। देखो अपघटन और अपघटन अलग अलग होते हैं, तो अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपघटन के नियम, इलेक्ट्रोलाइसिस के नियम पढ़ रहे हैं। अब माइकल फैराडे था जो एक वैज्ञानिक थे, क्या थे, माइकल फैराडे जो थे वो एक वैज्ञानिक थे। हमेशा वो जो वैज्ञानिक होते हैं अपने नाम के आधार पर ही कोई नियम बनाते हैं। तो अब जैसे किरचॉफ का नियम, तो किरचॉफ ने जो नियम बनाया, ओम का नियम, तो ओम जो वैज्ञानिक के नाम के आधार पर ही नियम बनते हैं। अब ये अपन पढ़ रहे हैं फैराडे का नियम। तो फैराडे के जो फैराडे ने दो नियम बनाए, एक तो प्रथम नियम और एक दूसरा नियम। तो जो माइकल फैराडे है उसने प्रथम नियम क्या बनाया, किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान, मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान विलयन में से प्रवाहित की गई विद्युत धारा की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब देखो, अनुक्रमानुपाती कहो चाहे समानुपाती कहो, एक ही बात है, प्रोपोर्शनल टू कहो, एक ही बात है। इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो ये देखना कि अनुक्रमानुपाती यानी कि प्रोपोर्शनल टू, मतलब ये जो अपन समानुपाती अनुक्रमानुपाती ये लिखते हैं, ये इसको क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल टू, क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल टू। तो प्रथम नियम क्या कह रहा है, किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान विलयन में से प्रवाहित की गई विद्युत धारा की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है। अब फॉर्मूला क्या हो गया, M प्रोपोर्शनल टू I इंटू टी। एम क्या है, मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान है, I क्या है, विद्युत धारा है, और T क्या है, समय है। तो ये देखो प्रथम नियम, किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान यानी कि M, विलयन में से प्रवाहित की गई विद्युत धारा I की मात्रा की अनुक्रमानुपाती, मात्रा मतलब T टाइम, तो M प्रोपोर्शनल टू I T। अब अपन जब ये प्रोपोर्शनल टू यानी कि अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो वहां पे स्थिरांक लगाते हैं, तो क्या हो गया, M इज इक्वल टू जेड आई टी। क्या हो गया फॉर्मूला, फैराडे का प्रथम नियम क्या है, M इज इक्वल टू जेड आई टी। आपको यही नियम आपको याद रखना है, ये डेफिनेशन आपको कहीं याद नहीं रखनी है, आपको सिर्फ फैराडे का प्रथम नियम M इज इक्वल टू जेड आई टी। अब इसमें M क्या है, जेड क्या है, I क्या है और T क्या है, अपन को ये याद रखना पड़ेगा। अब देखते हैं M क्या है,
एम क्या है, मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान। हमेशा द्रव्यमान होता है जो किसमें होता है, ग्राम में होता है, ठीक है, ग्राम या किलोग्राम में। और फिर आता है आई, आई क्या है, विद्युत धारा है, विद्युत धारा की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। और टी क्या है, समय है, समय हमेशा किसमें होता है, सेकंड्स में, किसमें होएगा हमेशा, सेकंड में या मिनट्स में। जेड क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, जेड क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है, इसकी डेफिनेशन भी अपन बाद में देखेंगे, पहले अपन फैराडे का नियम देख लेते हैं। जेड क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, किसमें होता है, इसकी यूनिट ग्राम प्रति कूलाम में। देखो आप यूनिट्स जरूर याद रखना, एग्जाम के अंदर यूनिट भी पूछी जाती है कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक की यूनिट क्या, मतलब ऐसे ऐसे यूनिट पूछते हैं कि अपन को आने के बावजूद भी अपन उसका उत्तर सही नहीं, कई कई बच्चे तो इतने कमजोर होते हैं कि उनको ये भी नहीं पता कि विद्युत धारा की यूनिट क्या होती है। जब पता है विद्युत धारा की यूनिट एम्पियर होती है, परंतु जब क्वेश्चन का उत्तर लिखते हैं तो उसमें यूनिट लिखना कंफ्यूज होता है, ओम होएगी या वोल्ट होएगी। अरे भाई, विद्युत धारा की यूनिट हमेशा एम्पियर होती है, चाहे कोई भी क्वेश्चन आए। प्रतिरोध की यूनिट ओम होती है, विद्युत वाहक बल की यूनिट वोल्ट होती है। अब आपको पता है तीन चीज की यूनिट वोल्ट होती है, विद्युत वाहक बल यानी EMF, एक होती है वोल्टेज और एक होती है विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। इन तीनों की यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। तो ये मैं बार बार आपको यही बताती हूँ क्योंकि यूनिट्स पे भी क्वेश्चन बहुत आता ही आता है और अपन फालतू के 3 नंबर आराम से ले सकते हैं अगर एक यूनिट का उत्तर टिक कर दे तो। तो जेड क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, ग्राम प्रति कूलाम इसकी यूनिट होती है। अब फैराडे का प्रथम नियम, तो ये फॉर्मूला क्या हो गया, एम इज इक्वल टू जेड आई टी। इस फॉर्मूले के आधार पर न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं, वो भी अपन करेंगे। पहले अपन फॉर्मूला ही देख लेते हैं, क्या फॉर्मूला। अब फैराडे का द्वितीय नियम क्या है, फैराडे का द्वितीय नियम क्या है, यदि एक ही मान की विद्युत धारा एक ही समय तक विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट्स में से प्रवाहित की जाए तो उनके इलेक्ट्रोड्स पर मुक्त हुए पदार्थ के द्रव्यमान उनके रासायनिक तुल्यांकों के अनुक्रमानुपाती होते हैं। अब आपको ये लैंग्वेज अपन को कहीं नहीं लिखनी है, अब क्योंकि अपने MCQ जाते हैं, चाहे आप कोई कंपटीशन एग्जाम दोगे तो भी उसमें MCQ ही आएगा, और चाहे आप ITI का एग्जाम दे रहे हो तो भी MCQ जाएगा। तो अपन को ये लैंग्वेज कहीं लिखने को नहीं आएगी, अपन को ये ध्यान होना चाहिए कि ये किसका नियम है। तो द्वितीय नियम या दूसरा नियम क्या है फैराडे का, वापस देखते हैं अपन। यदि एक ही मान की विद्युत धारा एक ही समय तक विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट में से प्रवाहित की जाए तो उनके इलेक्ट्रोड्स पर मुक्त हुए पदार्थों के द्रव्यमान उनके रासायनिक तुल्यांकों के अनुक्रमानुपाती होता है। तो अब अनुक्रमानुपाती यानी कि प्रोपोर्शनल टू, तो M1 प्रोपोर्शनल टू W1, M2 प्रोपोर्शनल टू W2, M3 प्रोपोर्शनल टू W3। अब M1, M2, M3 क्या है और W1, W2, W3 क्या है। M1, M2, M3 तो क्या है, इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थों के द्रव्यमान है। अब द्रव्यमान की यूनिट किसमें होती है, ग्राम में होती है। W1, W2, W3 क्या है, पदार्थों का रासायनिक तुल्यांक है। अब रासायनिक तुल्यांक की यूनिट क्या होती है, ग्राम प्रति कूलाम। तो अब अपने यहाँ पे जेड नहीं है, ठीक है, यह पदार्थों का रासायनिक तुल्यांक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, M1 अपॉन W1 बराबर M2 अपॉन W2 बराबर M3 अपॉन W3, ये इसका द्वितीय नियम है। परंतु जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस नियम के आधार पर ही आते हैं, न्यूमेरिकल भी आते हैं कोई भी, तो M इज इक्वल टू जेड आई टी पे ही आएगा, या फैराडे के नियम के अनुसार कहता है तो भी यही M इज इक्वल टू जेड आई टी ही
आएगा। तो ये फैराडे का नियम हो गया, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सब जगह फैराडे का नियम पूछा जाता है और फॉर्मूला आपको यही काम आता है ज़्यादातर। एम इजिकल टू जेड आई टी, एम क्या है, मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान, किस में होगा, ग्राम में होगा। आई क्या है, विद्युत धारा है, किस में होगी, एम्पियर में होगी। जेड क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक किस में होता है, ग्राम प्रति कूलाम में होता है। अब देखते हैं भाई रासायनिक तुल्यांक किससे कहते हैं। रासायनिक तुल्यांक यानी कि केमिकल इक्विलेंट, क्या है, केमिकल इक्विलेंट। किसी तत्व के द्रव्यमान के अनुसार वह भाग जो हाइड्रोजन के एक भाग मतलब 1.008 द्रव्यमान से संयुक्त अथवा मुक्त होता है उस तत्व का रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। अब ये आपको डेफिनेशन लिखनी कहीं नहीं है, सिर्फ ये डेफिनेशन आती है, पूछते हैं इसको क्या कहते हैं, तो अपन इसको कहते हैं रासायनिक तुल्यांक या केमिकल इक्विलेंट। किसी तत्व के द्रव्यमान के अनुसार वह भाग जो हाइड्रोजन के एक भाग मतलब हाइड्रोजन का एक भाग कितना हो गया 1.008 द्रव्यमान से संयुक्त अथवा मुक्त होता है उस तत्व का रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। अब इसका फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है। रासायनिक तुल्यांक देखो, रासायनिक तुल्यांक इसके बारे में अपन ने पहले भी छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ है, 8th 9th में भी आपने विज्ञान में पढ़ा होगा। रासायनिक तुल्यांक की फॉर्मूला क्या है, बराबर परमाणु भार बट्टा संयोजकता। परमाणु भार को अपन क्या कहते हैं, एटॉमिक वेट। परमाणु भार जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो भी ध्यान रहे, क्योंकि मैं जो टेक्निकल वर्ड है वो पूरा इंग्लिश में बता रही हूँ, पर लैंग्वेज जो है वो आपको अपने लैंग्वेज में ही लिखना पड़ेगा। परंतु एग्जाम में आप इंग्लिश मीडियम के हो तो भी आपको लैंग्वेज तो कहीं लिखनी ही नहीं है, टेक्निकल वर्ड मैं आपको इंग्लिश में ही बताती हूँ। और क्वेश्चन पेपर जो आता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आता है, तो आप चाहे हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो, पेपर दोनों लैंग्वेज में आता है, तो आप किसी में भी देख सकते हैं। परंतु जो मैं टेक्निकल वर्ड है वो इंग्लिश में ही बताती हूँ। अब जो रासायनिक तुल्यांक का फॉर्मूला है क्या है, परमाणु भार बटा संयोजकता। परमाणु भार को इंग्लिश में कहते हैं एटॉमिक वेट और संयोजकता को इंग्लिश में कहते हैं वैलेंसी। अब अपन ने छोटी क्लास में देखा था कि भाई ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है, उसकी संयोजकता 2 है, तो रासायनिक तुल्यांक क्या होगा। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया अपन को कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना दे दिया, 16, और संयोजकता दे दी है 2, तो ऑक्सीजन का जो है रासायनिक तुल्यांक क्या होगा। तो अपन का फॉर्मूला क्या है, परमाणु भार बट्टा संयोजकता, तो क्या हो गया इसकी क्या लिखना है, रासायनिक तुल्यांक निकालना है। क्या हो गया, परमाणु भार बट्टा संयोजकता, परमाणु भार कितना है 16, बट्टा संयोजकता कितनी है 2, तो कितनी हो गई 8। तो ऑक्सीजन का जो रासायनिक तुल्यांक है वो कितना हो गया 8। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आता है तो भी अपन कर सकते हैं। अब जैसे चांदी का पूछ लेते हैं कि भाई चांदी का रासायनिक तुल्यांक कितना है, जिसमें परमाणु भार तो दे दिया 108 और संयोजकता दे दिए 1, तो कितना हो गया 108 बटा 1, तो कितना हो गया 108। जैसे तांबे का रासायनिक तुल्यांक पूछता है तो परमाणु भार तो दे दिया 63 और संयोजकता दे दी 2, तो रासायनिक तुल्यांक कितना हो गया 63/2। तो 63/2 को 63 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 31.5। तो इस टाइप के रासायनिक तुल्यांक के भी क्वेश्चन अगर आते हैं तो अपन कर लेते हैं। अब अपन देखते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक। अभी तो अपन ने पढ़ा था सिर्फ रासायनिक तुल्यांक, अभी तो अपन ने क्या देखा है, रासायनिक तुल्यांक। अब अपन देख रहे हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक। फॉर्मूला आप ध्यान रखना कि फॉर्मूला क्या है। अब जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, पहले तो था रासायनिक तुल्यांक। रासायनिक तुल्यांक का फॉर्मूला होता है परमाणु भार बट्टा संयोजकता, परंतु अब क्या क्वेश्चन में आ गया, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विलेंट, किसी तत्व का वह द्रव्यमान जो एक कूलाम आवेश द्वारा एक विलयन से संयुक्त होता है
अथवा उससे मुक्त होता है उस तत्व का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। अब अपने पास फॉर्मूला था एम इजिकल टू जेड आई टी, पैराडे का प्रथम नियम। अब इसमें क्या दे दिया, आई तो दे दिया 1 एम्पियर, ठीक है, और टी दे दिया 1 कूलम। देखो क्वेश्चन, ये पढ़ो इसकी डेफिनेशन, किसी तत्व का वह द्रव्यमान मतलब एम जो 1 कूलम आवेश, 1 कूलम आवेश द्वारा विलयन से संयुक्त होता है अथवा उससे मुक्त होता है उस तत्व का रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। तो आई करंट क्या हो गई 1 एम्पियर और टी क्या हो गई 1 सेकेंड, तो एक इसमें ए कर देंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा एम इजिकल टू जेड। अब अपने क्वेश्चन में आ जाता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक का फॉर्मूला क्या है, तो एम इजिकल टू जेड, परंतु सिर्फ रासायनिक तुल्यांक पूछता है तो परमाणु भार बट्टा संयोजकता। अब अपन फॉर्मूला एम इजिकल टू जेड आई टी मतलब फैराडे का प्रथम नियम के आधार पर अपन क्वेश्चन करते हैं, 2-3 क्वेश्चन है वो अपन करते हैं, तो उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और क्वेश्चन करने का आंसर समझ में आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन है, यदि 200 सेकंड समय में 0.5 एम्पियर डीसी विद्युत धारा के द्वारा वोल्टामीटर में कैथोड पर 111.81 मिलीग्राम चांदी एकत्र की जाती हो तो चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक ज्ञात करो। अब ये क्या कह रहा है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक अपन को ज्ञात करना है। अब जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक ज्ञात करना है, अब जो अपन को दिया क्या है आइटम, तो अपन देखते हैं कि क्या, सबसे पहले तो अपन लिख लेते हैं आई दे दिया है, कितनी दी है 0.5 एम्पियर, टी दे दिया है 200 सेकंड, टी कितना दे दिया 200 सेकंड, एम द्रव्यमान कितना दिया है 111.81 मिलीग्राम में दिया है, ठीक है, एम दे दिया मिलीग्राम में। अब अपने को क्या दे दिया, फॉर्मूला क्या है, एम इजिकल टू जेड आई टी, एम अपने पास है, आई अपने पास है, टी अपने पास है, अपन को क्या निकालना है, जेड निकालना है। तो जो चीज निकालनी है वो इधर साइड में रख, जो जो क्वेश्चन में दिया उसको अपन एक साइड में लिख देते हैं और जो जो नहीं दिया और जो निकालना है उसको अपन एक साइड में लिख लेते हैं। अब इसके अंदर फॉर्मूले में अपन मान रखते हैं भाई क्या मान होता है। तो अब आप है ना, अगर एग्जाम में आ जाता है, एग्जाम में अगर आ जाता है आपके कि भाई आंसर देखना आपके मिलीग्राम में उत्तर आ रहा है या ग्राम में आ रहा, अगर ग्राम में उत्तर आता है तो मिली को चेंज करना पड़ेगा, और मिलीग्राम प्रति कूलम में आता है तो अपन को चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो अपन को ये देखना पड़ेगा कि भाई क्या इसका रासायनिक तुल्यांक का जो ग्राम में उत्तर आ रहा है या मिलीग्राम में आ रहा है, तो ये देखेंगे अपन फॉर्मूले में मान रख देते हैं। अब अपन को आंसर में जो ऑप्शन दिया है उसमें मिलीग्राम में ही ऑप्शन है तो अपन इसको चेंज नहीं करेंगे। तो एम इजिकल टू जेड आई टी, तो जेड अपन को निकालना है तो अपन का फॉर्मूला होगा एम अपॉन आई टी, पॉइंट है मतलब गुण करना है, तो एम कितना दे दिया 111.81 अपॉन आई कितना है 0.5 इंटू टी कितना दे दिया 200। अब यहाँ पे सेकंड में है, अगर मिनट में होता तो अपन को चेंज करना पड़ता। अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, 0.5 को 200 से गुणा करें, 200 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 100 आएगा, देखो 0.5 इंटू 200 कितना आ गया 100। तो अपने फॉर्म इसमें मान रखते हैं 111.81 अपॉन 100, तो अब इसके अंदर अपन 100 का भाग दे, अब अपन क्या करते हैं कि 111.81 में 100 का भाग देंगे तो 111.81 डिवाइडेड 100 तो कितना आ गया 1.1181। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं 1.1181 मिलीग्राम प्रति
कूलाम में, तो मिलीग्राम प्रति कूलाम, अगर ऑप्शन में मिलीग्राम प्रति कूलाम है तो मिलीग्राम प्रति कूलाम में आंसर लिया, और अगर आंसर में ग्राम प्रति कूलाम है तो अपन क्या करते हैं कि जो ये दिया है मिलीग्राम है, इस मिलीग्राम को अपन चेंज करते तो क्या करते हैं 10^-3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ग्राम में। तो पहले अपन को ऑप्शन देखना है कि ऑप्शन में मिलीग्राम दिया है या ग्राम में दिया हुआ। इस टाइप के अपन और क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक 0.00033 ग्राम प्रति कूलाम है। एक वस्तु पर एक घंटे में 6 ग्राम तांबा चढ़ाने के लिए कितनी विद्युत धारा अपेक्षित होगी। अब इसमें क्या दे दिया, रासायनिक तुल्यांक दे दिया है, टाइम दे दिया है, जेड दे दिया है, टाइम दे दिया है और एम दे दिया है, तो अपन को क्या निकालना है, धारा निकालनी। अपने पास फॉर्मूला क्या है, एम इजिकल टू जेड आई टी। अब अपन को दिया क्या क्या ये देख लेते हैं, एम तो दे दिया है कितना 6 ग्राम, तो लिख दिया 6 ग्राम, ठीक है। टी दे दिया है, अब देखो टी क्या दिया है, एक घंटा, क्या दिया है एक घंटा, ए 1 आवर, तो एक घंटा लिख है। एक घंटे को अपन चेंज करेंगे सेकंड में, तो एक घंटे को सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या होएगा 3600 सेकंड, ठीक है। एक घंटे को सेकंड में चेंज करेंगे तो कितने होंगे 3600 सेकंड। अब अपन को जेड दे दिया है 0.00033 ग्राम प्रति कूलाम, ठीक है। अब अपन को क्या निकालना, आई निकालना है, तो अपन को क्या निकालना है, आई निकालना है। अब अपन आई निकालते हैं, तो एम इजिकल टू जेड आई टी है, तो आई निकालने के लिए क्या होगा, एम अपॉन जेड इंटू टी, ठीक है। अब एम कितना दे दिया, 6 दे दिया, जेड अपने पास कितना है, जेड अपने पास है 0.00033 इंटू टी दे दिया है, टी कितना है अपने पास 3600। तो अब अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं, 6/ करते हैं 0.00033 × 3600, तो हो गया 1.188। अब 6 के अंदर 1.1 का, 6 के अंदर 1.188 का भाग दे देते हैं, कितना आ गया 5.05, तो 5.05 कितना आ गया एम्पियर। क्या निकाला था, करंट, तो करंट की यूनिट क्या होती है एम्पियर, तो अपन इसको एम्पियर करेंगे। एक क्वेश्चन और है, वो भी अपन कर लेते हैं। जब एक चम्मच पर 0.5 ग्राम चांदी 7.5 मिनट में जमा होती है तो उसमें प्रवाहित होने वाली करंट की मात्रा बताइए। चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक 0.00118 ग्राम प्रति कूलाम है। तो अब इसमें अपन को क्या दे दिया, रासायनिक तुल्यांक दे दिया है, टाइम दे दिया है, ये अपने एम दे दिया है, तो करंट निकालना है। अब अपन पहले तो ये देख लेते हैं कि अपन को इसने क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले एम दिया है 0.5 ग्राम, ठीक है। फिर दे दिया टी, टी कितना दे दिया है 7.5 मिनट दिया है। अब मिनट को अपन को किस में करना है, सेकंड में करना है, 7.5 × मिनट को सेकंड में करते हैं तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन को आएगा 450 सेकंड, ठीक है। फिर आता है जेड,
जेड अपने को कितना दे दिया है, 0.00118 ग्राम प्रति कूलाम। ठीक है, एम दे दिया, टी दे दिया, जेड दे दिया। अब अपने पास फॉर्मूला है एम इजिकल टू जेड आई टी। आई अपन को निकालना है, तो आई बराबर क्या होगा, क्या होगा, अभी अपन ने देखा था एम अपॉन जेड इंटू टी। एम अपने पास कितना है, 0.5 ग्राम, अपॉन टी है 750, जेड अपने पास है 0.00118 इंटू टी है 450। अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, 0.00118 इंटू 450 इजिकल टू कितना आ गया, 0.5 अपॉन 0.531। अब 0.5 के अंदर भाग दे देंगे 0.531 का, तो आ गया 0.94। क्या आ गया, 0.94। तो ये आ गया 0.94 आई है, तो इसकी यूनिट क्या होगी, एम्पियर में। तो आई बराबर कितना हो गया, 0.94 एम्पियर। ये इसका आंसर हो गया। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन है, यदि 10 एम्पियर की करंट सिल्वर नाइट्रेट के गोल में 20 मिनट तक प्रवाहित करने पर 13.42 ग्राम सिल्वर एकत्रित होती है, तो सिल्वर का वैद्युत रासायनिक तुल्यांक ज्ञात करो। अब ये अपन को ये भी इसमें क्या रासायनिक तुल्यांक ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, रासायनिक तुल्यांक। तो पहले तो जो दिया हुआ है वो अपन देख लेते हैं। अब सबसे पहले 10 एम्पियर दिया है, तो आई क्या दे दिया, आई कितना दे दिया, 10 एम्पियर। एम दे दिया 13.42 ग्राम सिल्वर। टी दे दिया है 20 मिनट। अब 20 मिनट है, ठीक है, इसको सेकंड में अपन चेंज करेंगे तो क्या हो गया, 1200 सेकंड। ठीक है, सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अपन को क्या निकालना है, जेड निकालना है। फॉर्मूला क्या है, एम इजिकल टू जेड आई टी। ठीक है, जेड इजिकल टू क्या हो गया, एम अपॉन आई टी। एम अपने पास कितना है, 13.42 बट्टा। आई अपने पास कितना है, 10 इंटू टी कितना है, 1200। अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। देखो 10 इंटू 1200 करो, इजिकल टू कितना हो गया, 12000 हो गया। अब 13.242 में भाग दे दो, 13.42 में भाग देंगे 13.42 में भाग देंगे 12000 का, तो कितना आ गया, 0.00118। वाह, 0.00111183। तो ये क्या हो गया, ग्राम प्रति कूलम। तो जेड अपन ने निकाल दिया। तो इस टाइप के अपन क्वेश्चन एम इजिकल टू जेड आई टी फॉर्मूले के आधार पर ही क्वेश्चंस आते हैं। अब आपकी जो फरमाइश थी मैडम सेल वाला चैप्टर स्टार्ट करो, तो आज अपन ने सेल वाला चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। आप वीडियो एक बार देखो, दो बार देखो, नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि उनको भी अपने वीडियो का फ़ायदा हो। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में दिए हुए बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, ताकि जो भी अपन वीडियो अपलोड करें तो सभी के पास नोटिफिकेशन आता रहेगा। और कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी।